हाय, वेलकम बैक हमारे लैंग्वेज एंड थॉट प्रोसेस में पार्ट टू। होप यू हैव ऑलरेडी वॉच लेसन 26, ज़रूर वॉच कीजिएगा। एंड आई एम सावित्री देवी, योर ट्रेनर हियर, एंड हार्दिक स्वागत हमारे माउंटेन फुल ऑफ नॉलेज अचरज जान चैनल पे। तो आज क्या डिस्कस कर रहे हैं? या वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट के कॉन्सेप्ट जो कुछ हैं, फीचर्स जो कुछ हैं, प्रॉपर्टीज, ये सब आज डिस्कस करेंगे। पहले जब हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज लैंग्वेज थॉट, ये लैंग्वेज क्या होती है, ऑल द डेफिनेशंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो वीडियो यू शुड वॉच, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा आइदर दिस नॉम चॉम्स्की के ऊपर एक मोस्टली ऐसे, और यू नो फोर्थ पर्सपेक्टिव उसमें से आ सकता है, नहीं तो इसमें आ सकता है। आगे वाली एक और वीडियो है जहाँ आई एम गोइंग विथ सम मोर की पॉइंट्स उसमें, सो यू नेवर नो, दो क्वेश्चन तक आने की संभावना है, तो डोंट इग्नोर एट ऑल, एवरी मार्क काउंट्स, है ना। और ये इंग्लिश के लिए भी ये आपको यूज़फुल होगा, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी दिस, और पेडागॉजी के लिए भी दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच रिलेटेड, तो वहाँ भी आपको एक दो मार्क स्कोर करने के लिए चांसेस होते हैं। ओके, तो लेट्स हैव अ लुक, लैंग्वेज क्या होती है क्विकली देखेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो। लैंग्वेज इज ए एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड कॉम्प्रिहेंड स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स, है ना। और लिंग्विस्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स क्या है, वो एक स्टडी ऑफ लैंग्वेज होता है, देन आई कॉल इट एज लिंग्विस्टिक। और लैंग्वेज क्या होती है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड कॉम्प्रिहेंड, यानी समझना है जो स्पोकन और रिटन वर्ड्स है उसको समझने का वो चीज़ जो कुछ होते हैं, दैट्स ऑल इज ऑल अबाउट लैंग्वेज। तो ये इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज वर्क, इट मीन्स टू रीच आउट मेनी ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, को बहुत सारे ब्रांचेस देखना पड़ेगा साइकोलॉजी का। तो एवरीथिंग राइट फ्रॉम बेसिक न्यूरोलॉजिकल फंक्शन टू हाई लेवल कॉग्निटिव प्रोसेस। तो अगर मुझे देखना है सीरियसली क्या है ब्रांच कैसे काम करता है, इट इज़ फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल फंक्शन से कॉग्निटिव प्रोसेस तक पूरा मिलजुला है। ओके, तो लैंग्वेज शेप्स आर सोशल इंटरेक्शंस एंड ब्रिंग्स एन ऑर्डर टू आवर लाइफ। आप शायद सोचते होंगे इतना नोट्स क्यों लिखते हो, सीधा बात करने, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मिस इवन अ सिंगल पॉइंट। कभी क्या होता है, विदाउट एनी नोट्स मैं यूं ही पिक्चर दिखा के बता देती हूँ, आधा लिखती हूँ, आपको नोट्स नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम आई नो चिल्ड्रन बहुत फेस करते हैं नोट्स के हिसाब से, कभी आगे टुमारो यू डोंट वॉन्ट टू वॉच द वीडियो, सिर्फ नोट्स रेफर करने से भी हो जाएगा, है ना, इफ़ यू मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। एंड दैट्स, अगर डोंट वरी अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स, तो आपको मेरे बुक में तो ज़रूर मिल जाएगा, चाइल्ड एंड पेडागॉजी, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लीजिएगा। एंड ये वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो हाँ, कमिंग टू आवर कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज इज वन डिफाइनिंग विच मेक्स अस ह्यूमन। तो ये जो लैंग्वेज के बारे में हम बात कर रहे थे ना, यू शुड नो दैट द की प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स ऑफ पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज क्या क्या होते हैं। पहला बेसिक थिंग क्या होता है, अल्फाबेट, इट हेल्प्स अस टू फॉर्म वर्ड्स, ए टू जेड जो भी है उसके साथ ही हमारा पूरा लैंग्वेज सेट है, है ना। और सिंबल्स, ये जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं ना, कॉमा सेमी कॉलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू अंडरस्टैंड द मीनिंग क्लियरली। जहाँ पंक्चुएशन मार्क्स पंक्चुएशन के हिसाब से और कॉमा से वो मीनिंग ही पूरा बदल जाता है उस सेंटेंस में, तो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट विथ वाइल यू नो कंसिडरिंग कैसे हम कन्वे कर रहे हैं, रिटन फॉर्म में है तो बहुत केयरफुल होना चाहिए। एंड कमिंग टू ग्रामर, ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं दैट एक्सप्लेन हाउ वर्ड्स आर यूज्ड इन अ लैंग्वेज। अभी शायद आप सोचते होंगे ये क्या मुझे मालूम है, सब एग्जाम में ये वर्ड नहीं देंगे, ये पूरा डेफिनेशन दे के पूछेंगे, तब कन्फ्यूज हो जाते हैं हम, क्योंकि हर ऑलमोस्ट दे सीम टू बी सो सेम, है ना। तो प्लीज़ बी वेरी थरो विद दीज, क्या है डेफिनेशंस एंड ऑल। ओके, ग्रामर क्या है, स्ट्रक्चर क्या होती है, इट हेल्प्स अस टू सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर से एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक ना, ऑर्गेनाइज रहता है ना लैंग्वेज। और लेक्सिकॉन क्या है, इम्पॉर्टेंट, एवरी लैंग्वेज हैज अ लेक्सिकन और द सम टोटल ऑफ द वर्ड्स इन दैट लैंग्वेज। ओके, कितने लेक्सिकन्स हैं, 42 या 45 याद नहीं है मुझे, आई लेट यू नो सून। और फोनेटिक्स एंड फोनोमिक्स आर द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ साउंड इन लैंग्वेजेस। ओके, फोनोटिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीच साउंड्स होते हैं, और फोनोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ दैट फोनोम्स, ओके, विच आर स्पीच साउंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल लैंग्वेज। होप आपको समझ में आ रहा है।
If not, feel free to ask me. Phonetics is a study of individual speech sounds. Okay, and phonology वो study होती है phonemes का, वो भी देखेंगे. Okay, so this is actually your figure of representation. Speech sounds कैसे हम represent कर सकते हैं ऐसे. Okay, तो syntax क्या होती है, वो is a study of sentence and phrases. Grammar के rules जो sentence obey करना है. Okay. In order for the sentence to convey the intended meaning, the words must be in a certain order, है ना? बिना syntax के, बिना rules के क्या हम sentence form कर सकते हैं? अच्छे sentence construction होता है? नहीं. Sentence is a grammatical rule a sentence should follow. तभी वो right होगा, नहीं तो सब गलत होंगे, right? Semantics क्या होती है? Study of sentence meaning. Pragmatic study of sentence meaning in that context. और five main components of language, ये बहुत important है. Most of the time इसके ऊपर ही दे दिए हैं, phonemes, morphemes के ऊपर. एक दो बार lexemes के बारे में भी दिए थे. तो along with grammar, semantics and pragmatics, these components also work together to create meaningful communication. तो आपको क्या समझ आ रहा है? इनके साथ ही साथ ग्रामर, सिमेंटिक्स हो, प्रैग्मैटिक्स हो, ये पूरे कंपोनेंट्स एक साथ दे काम करते हैं टू गिव अस अ मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, है ना? तो कमिंग टू फोनीम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. फोनीम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट मे कॉज अ चेंज ऑफ मीनिंग विद इन द लैंग्वेज, बट दैट डजंट हैव मीनिंग बाई इट सेल्फ. सो ये क्या होती है, फोनीम क्या होती है? बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होती है. और मॉर्फिम क्या होती है? इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड जो स्पेसिफिक मीनिंग देता है वो स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स के लिए. ओके, द स्मॉलेस्ट लिंग्विस्टिक यूनिट विद इन अ वर्ड दैट कैन कैरी अ मीनिंग सच एज अन, ब्रेक, एबल, ये दूसरे वर्ड के लिए एक मीनिंग दे देते हैं. तो दैट इज वॉट वी कॉल इट एज मॉर्फीम. एंड नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, ये दिस इज हाउ एवरी थिंग विद इन लैंग्वेज वर्क्स टूगेदर टू कन्वे अ पर्टिकुलर मीनिंग. कॉन्टेक्स्ट कौन से कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही ना मीनिंग कन्वे हो जाता है. सो दैट इज अ थिंग. सो दे आर टू टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स, फ्री मॉर्फीम्स बोलते हैं और बाउंड मॉर्फीम्स. और लेक्सिंग क्या होती है? सेट और इन्फ्लिक्टेड फॉर्म्स टेकन बाय अ सिंगल वर्ड. तो इनकी डेफिनेशंस बहुत ज़रूरी होती हैं. एंड हाँ, वन कॉन्सेप्ट दैट यू शुड ऑल नो, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इतने कई कॉन्सेप्ट मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोलती हूँ? क्योंकि because these questions on these topics have been repeated day in and day out in your last 9 years of papers. यही नहीं, आके दूसरे टेट पेपर्स भी आप देखो, वहाँ भी बहुत मिलते हैं आपके स्टेट टेट में. तो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो दिस नेचर वर्सेस नर्चर. हमें ये बहुत ज़रूरी होती है, क्वाइट एसेंशियल टू अंडरस्टैंड इफ अ चाइल्ड लर्नस अ लैंग्वेज थ्रू नेचर और नर्चर. सी, आई टेल यू, वेन वी से बाय नेचर वी मीन टू से दैट इट्स हेरिडिटी. इट्स बाई हिज नेचर, इन्स बाई बर्थ से है ऑब्वियसली, वो हेरिडिटी के साथ होता है. नर्चरिंग इज समथिंग विच इज डन लेटर स्टेज. लर्निंग अ लैंग्वेज फ्रॉम द एनवायरमेंट, पैदा होने के बाद दूसरों को देख के सोसाइटी में या एनवायरमेंट में देख के मैं जो कुछ सीखती हूँ, दैट इज बीइंग नर्चर्ड. आई बीन नर्चर्ड बाई माई मदर, ऐसे बोल सकती हूँ. ओके, सो नर्चरिंग इज डिफरेंट. और ये बाई नेचर आई एम अ वेरी sweet person. I've been nurtured to be strong and bold. I can say like that. That means basically मैं बहुत soft हूँ, लेकिन धीरे धीरे मेरे parent मुझे guide करके they made me very strong. Okay, that is what is nurture. Difference मालूम हुआ ना? So that's all about हमारे ये concepts. You know, all you need to know is majorly about phonemes, what is a morpheme, उनके difference, बहुत be very thorough with the definitions. Okay, और nature versus nurture वाली concept. And coming to the next video, we will be learning about stages of language developed with that language and thought processes complete. And don't forget to like my video अगर आपको पसंद आया, and bell icon for all the updates. Okay, thank you so much for joining me. Bye bye, take care.